आप ही का साइकिल है ना? क्या नाम है आपका? ठीक है, उतना मत भागो, छोड़ देना, भी आ रहा है, बोला नहीं जाता है। क्या आपने तालिबानी हुकूमत के बारे में सुना है? क्या आपने तालिबानी हुकूमत के अंतर्गत दी जाने वाली सजाओं के बारे में सुनी है? क्या आप जंगल राज के बारे में जानते हैं कि कैसे जंगल राज में किस प्रकार की गुंडागर्दी होती थी, जिसमें लोग अपने गुमान में हैवानियत की हद पार कर देते थे? इनके लिए ना संविधान ना पुलिस का डर कोई मायने नहीं रखता। अपने हाथ में कानून को लेकर ये खुद दे देते हैं सजा। संविधान को ताक पर रखकर खुलेआम ये सजा देते हैं लोगों को। पूरे भारत देश में कानून व्यवस्था बनाई गई हुई है। हर छोटे बड़े अपराध के लिए उसके हिसाब से अपराध के तहत कानून में सजा का प्रावधान है। लेकिन इस राम के गढ़ रामगढ़ में और रघुवर सरकार के राज में इस कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप खुद देख लीजिए इस वायरल हो रहे वीडियो को। वायरल हुआ यह वीडियो रामगढ़ जिला के कुज्जू थाना क्षेत्र का है। आप खुद से देखें किस प्रकार से इस वीडियो में एक लहूलुहान व्यक्ति को देर रात पेड़ से बांधा गया, फिर पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। वो व्यक्ति लहूलुहान हो जाता है। उस व्यक्ति को पेड़ में रस्से से बांधा जाता है और उसकी जमकर पिटाई की जाती है, और पिटाई के साथ साथ उसका बनाया जाता है वीडियो, जिसको कर दिया जाता है वायरल। देर रात पेड़ से एक व्यक्ति को बांधा गया है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने अपने ही गोदाम में जहां वह काम करता था वहां चोरी करने के नियत से आया था, जिसे वहां के लोगों ने पकड़ लिया। फिर क्या था? फिर उन्होंने सारी हैवानियत की हदों को पार किया, खुद से संविधान के रचयिता बन गए और दे दिया उनको तालिबानी सजा। पेड़ में रस्से से बांधकर उसकी धुनाई ऐसी की कि आप देख सकते हैं कि लहूलुहान वो व्यक्ति किस प्रकार से अपने पेट में नहीं मारने का हवाला दे रहा है उन लोगों को। कैसे कह रहा है कि मेरे पेट में मत मारो। आप भी सुने इस वॉइस को उसके। पेट में मत मारो। ठीक है, उतना मत भागो, तो छोड़ दो ना, भी आ रहा है। पेट में मत मारो। ठीक है, पेट में मत मारो। ठीक है। चोरी करना बिल्कुल गलत है, चोरी करना बिल्कुल अपराध है, लेकिन क्या चोरी के जुर्म में किसी को इस प्रकार से सजा देना जायज है? क्या किसी को अपने हाथ में कानून को लेकर इस प्रकार का सजा देने का हक है? आप खुद से देख रहे हैं इस वीडियो में कितनी क्रूरता उन लोगों के द्वारा की गई जिन्होंने इस हैवानियत हरकत को अंजाम दिया। किस प्रकार से व्यक्ति को पेड़ में बांधकर इसकी पिटाई की और उसे लहूलुहान कर दिया। हैवानों की हिम्मत तो आप देखिए, उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। कितना हिम्मत है उनके अंदर कि वह एक तो हैवानियत की हद को पार करते हुए, संविधान को तार तार करते हुए, अपने हाथ में कानून को लेकर चोरी का आरोप लगाकर एक को बांधकर चोरी के आरोप में खुद से सजा दे रहे हैं। लहूलुहान कर दिया इस व्यक्ति को। कानून और किसी तरह की व्यवस्था कि उनको कोई भी डर नहीं, यह तो कानून तोड़ते हैं। और ऊपर से उनकी हिम्मत को भी देखिए, उनकी हिम्मत का नज़ारा को आप देखिए कि कानून तोड़ने वाले ये लोग वीडियो बनाकर इस वीडियो को भी वायरल कर देते हैं। आखिर ये क्या बताना चाह रहे हैं इस वीडियो को दिखाकर? हालांकि अब यह मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। कुज्जू पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति चोरी करने गया था उस गोडाउन में, लेकिन क्या चोरी की सजा इस प्रकार से लोगों द्वारा पेड़ में बांध कर देना कहां तक जायज है? वैसे अब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई जिसने अपने हाथों में कानून को लेते हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इसकी सरेआम पिटाई कर दी। वैसे लोगों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यह एक बड़ा सवाल है। पीड़ित व्यक्ति की जुबानी आप सुनिए, व्यक्ति क्या बता रहा है कि क्या हुआ उसके साथ। देखिए, किया तो दूसरा लाठ नहीं मारे, दूसरा आदमी लाठी से मारने चालू कर दिया। तो गार्ड बोला कि एक दूसरा गार्ड था, एक गार्ड बोला छोड़ दो। कहाँ पे काम करते हैं आप? रामा गिलास साहब है, गोदाम है। हाँ, रामा गिलास गोदाम है। किस चीज़ का? शराब का। वहीं काम करते हैं? उनका मालिक लोग भी आए हुए थे? नहीं, रात में मालिक आया था, जिसका गोदाम है ना वो आए थे। कौन आया था? उसका नाम हम नहीं जानते। आपके साथ मारपीट कौन किया? बगल वाले, जो बगल में आदमी था, सो सिक्योरिटी गार्ड। क्या नाम था?
क्या हुआ आपने पूरा वीडियो देखा, किस प्रकार से हैवानियत की हद को पार करते हुए इसको पेड़ में एक रस्से से बांधा गया, फिर उसे पीट कर लहूलुहान कर दिया गया, फिर इसकी पिटाई की गई और लगातार पिटाई की गई, लेकिन ये पिटने वाले अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। इस मामले पर सुन लीजिए वहां के ओपी प्रभारी क्या कहते हैं। रात में हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति के शराब दुकान में जो गोदाम है उसमें है जो कुछ लोग पकड़ के रखे हुए हैं, है ना, जो जिसके संबंध में बताया गया कि वो चोर है। और इस सूचना के सत्यापन के लिए गश्ती दल में शामिल जो जवान थे अफसर को उनको भेजा गया है और उनको ला कर के थाना पर लाया गया है और उनका प्राथमिक उपचार भी कराया जा चुका है, परंतु इस संबंध में अभी उन लोगों के द्वारा कोई लिखित रूप से नहीं दी गई है। उन लोगों के द्वारा मोबाइल पर संपर्क वे लोग संपर्क स्थापित कर बोले कि उनकी ये हमारे यहाँ कर्मचारी थे। इसकी काफ़ी पिटाई की गई, ये तो हम पिटाई के संबंध में नहीं बता सकते चूंकि हम लोगों के अनुपस्थिति में ही सब चीज हुआ है। क्या हो रहा है इस राम के गढ़ रामगढ़ में? अब देखना यह है कि हमारी रामगढ़ जिला पुलिस इस कानून को ताक पर रखने वाले हैवानों के साथ क्या करती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें रामगढ़ और बरकाकाना के लिए 7870893999। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है